दोस्तों नमस्कार, एचआरआई न्यूज पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूएपीए और राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है और सीजीआई एनवी रमना की बेंच भी कई बार मोदी सरकार को निर्देश दे चुकी है कि जल्द ही इन कानूनों को खत्म करने पर, समाप्त करने पर सरकार अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को बताए। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजद्रोह मामले में सजील इमाम को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध भड़काऊ भाषण से संबंधित मामले में सजील इमाम को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि दोस्तों जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीनबाग विरोध के प्रमुख आयोजकों में से एक सजील इमाम को पिछले वर्ष बिहार के जहानाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सरकार ने इन पर यूएपीए राजद्रोह का मामला लगाया था, क्योंकि इन्होंने शाहीनबाग विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था और सजील इमाम को यहां पर CAA और NRC का विरोध करना भारी पड़ा था। और वहीं दोस्तों अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजील इमाम को जमानत दे दी है। देख सकते हैं, राजद्रोह मामले में सजील इमाम को बड़ी राहत मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।